Good morning, all students. How are you, all students? I think all are fine and safe at home. आप सभी बच्चे अपना घर पर ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे. आज मैं आपको हिंदी का पार्ट 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है विदुत्मा और कालिदास. तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे. पुराने समय की बातें. एक राजकुमारी थी, उसका नाम विदुत्मा था. वह अत्यंत सुंदर और विदुषी थी. विदुषी का अर्थ होता है बहुत ही ज्ञानी स्त्री थी. उसे अपनी सुंदरता और ज्ञान पर बहुत ही घमंड था. उसने घोषणा की थी, जो युवक शस्त्र में उसे पराजित कर देगा वह उससे विवाह करेगी. विदुत्मा की ख्याति सुनकर दूर दूर से विद्वान उससे विवाह करने के लिए आए, लेकिन कोई भी उसे पराजित नहीं करा सका. कई विद्वान तो बुरी तरह से अपमानित होकर महल से निकल गए. इनमें से कुछ विद्वानों ने मिलकर राजकुमारी से अपने अपमान का बदला लेने की सोची. जब उसने इतने सारे राजकुमारों का अपमान किया था, तो उनमें से कुछ राजकुमारों ने सोचा कि हम इससे बदला लेंगे, और उसे बदला लेने का निश्चय किया. उन्होंने तय किया कि किसी प्रकार राजकुमारी का विवाह किसी महामूर्ख के साथ कर दिया जाए. वे विद्वान महामूर्ख की तलाश में निकल पड़े. एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक युवक दिखाई दिया. वह युवक कुल्हाड़ी से पेड़ की उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा हुआ था. वे समझ गए कि यह युवक महामूर्ख है. क्या तुम राजकुमारी के साथ विवाह करोगे? विद्वानों ने उससे पूछा. हाँ, करूँगा, युवक प्रसन्न होकर बोला. ठीक है, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ कर देंगे, लेकिन तुम्हें सदैव राजकुमारी से संकेतों में बात करनी होगी. संकेतों का मतलब इशारा. इशारे में ही तुम्हें उनसे बात करनी होगी. विद्वान ने उसे समझा दिया. युवक यह बात भी मान गया. इसके बाद वे उसे लेकर घर आ गए. घर आने के बाद उन्होंने उस युवक को अच्छे से नहलाया धुलाया और अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए. अगले दिन वे विद्वान उस मूर्ख को लेकर राजकुमारी विदुत्मा के महल में पहुंचे. उन्होंने उस मूर्ख को का परिचय बड़े ही विद्वान के रूप में करवाया. उन्होंने बताया कि आजकल इन्होंने मौन धारण किया हुआ है, इसलिए ये बोलेंगे नहीं, केवल संकेतों में ही बात करेंगे. राजकुमारी ने यह बात मान ली. शास्त्रार्थ आरंभ हुआ. राजकुमारी ने मूर्ख युवक को एक उंगली दिखाकर पहला सवाल किया. ईश्वर एक है. युवक को लगा कि राजकुमारी उसकी एक आंख फोड़ना चाहते हैं. उत्तर में उसने दो उंगली उठाकर बताया कि यदि तुम एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा. विद्वानों ने इसका अर्थ समझाते हुए कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि ईश्वर के एक नहीं दो रूप हैं, जीवात्मा और परमात्मा. इसके बाद राजकुमारी ने पांचों उंगलियां उठाकर संकेत किया कि यह संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है. उस युवक को लगा कि राजकुमारी उसे थप्पड़ मारना चाहती है. जवाब में उसने उसे घूंसा बताया कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा. विद्वानों ने जब इसका अर्थ समझाया, गुरुजी कह रहे हैं कि जब 5 तत्व मिलते हैं तभी संसार बनता है. राजकुमारी ने अपनी हार मान ली और उसका विवाह उस मूर्ख के साथ हो गया. एक दिन महल के सामने से बहुत सारे ऊंट जा रहे थे. ऊंटों को देखकर वह मूर्ख युवक अपने आप को रोक नहीं सका और जोर जोर से चिल्लाया, उट्र उट्र. जब राजकुमारी ने उस्त्र को उट्र बोलते सुना तो वह समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है. उसने क्रोध में आकर अपने मूर्ख पति को महल से निकाल दिया. युवक इस अपमान को सह नहीं पाया और वह काशी चला गया. काशी जाकर उसने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया और कठोर परिश्रम कर उसने बहुत कुछ सीखा. कुछ ही समय में उसकी गिनती बड़े बड़े विद्वानों में होने लगी. वह
कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजकुमारी अब कालिदास के को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। जब वो अच्छा विद्वान बन गया और बहुत फेमस हो गया तो राजकुमारी को बहुत पछतावा हो, उसने सोचा कि मैं इसे वापस स्वीकार कर लूँ, किंतु उसने मना कर दिया। कालिदास आगे जाकर संस्कृत के महान कवि और नाटककार बने। कालिदास को संस्कृत की विश्व प्रसिद्ध रचनाओं अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश तथा कुमार संभव आदि के लिए जाना जाता है। इस प्रकार पत्नी के द्वारा दिए गए अपमान ने एक मूर्ख व्यक्ति को विश्व का सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार बना दिया। इसलिए हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या पता वो आदमी, वो इंसान आगे चलकर कोई महान व्यक्ति बने कालिदास की तरह। इसलिए हमें हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए। ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, बाय।